क्रिकेट में अब तक कश्मीर या इंग्लिश विलो के बल्ले का इस्तेमाल होता है, लेकिन इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक शोध में पता चला है कि बांस के बने बल्ले का इस्तेमाल कम खर्चीला होगा और उसका स्वीट स्पॉट भी बड़ा होगा। इसके बाद से उम्मीद लगाई जा रही है कि क्रिकेट में बांस के बल्ले की एंट्री हो सकती है, लेकिन सस्ते और हल्के होने के बावजूद ऐसा होना मुश्किल है। क्यों, आइए आपको समझाते हैं। बल्ले में स्वीट स्पॉट बीच के हिस्से से थोड़ा नीचे, लेकिन सबसे निचले हिस्से से ऊपर होता है और यहाँ से लगाया गया शॉट बहुत दमदार होता है। इस शोध को दर्शिल शाह और बेन टिंकलेर डेविस ने किया है। शाह कहते हैं कि एक बांस के बल्ले से यॉर्कर गेंद पर चौका मारना आसान होता है, क्योंकि इसका स्वीट स्पॉट बड़ा होता है। यॉर्कर पर ही नहीं बल्कि हर तरह के शॉट के लिए ये बेहतर है। गार्जियन अखबार के मुताबिक इंग्लिश विलो की आपूर्ति के साथ समस्या है। इस पेड़ को तैयार होने में लगभग 15 साल लगते हैं और बल्ला बनाते समय 15% से लेकर 30% लकड़ी बर्बाद हो जाती है। अब शाह का मानना है कि बांस सस्ता भी होता है और काफी ज्यादा मात्रा में उपलब्ध भी। ये तेजी से बढ़ता है और टिकाऊ भी होता है। बांस को उसकी टहनियों से उगाया जा सकता है और उसे पूरी तरह तैयार होने में सिर्फ 7 साल लगते हैं। उन्होंने कहा कि बांस चीन, जापान, दक्षिण अमेरिका जैसे देशों में भारी मात्रा में पाया जाता है, जहाँ क्रिकेट अब लोकप्रिय हो रहा है। इस अध्ययन को स्पोर्ट्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पत्रकारिता में प्रकाशित किया गया है। शाह और डेविस की जोड़ी ने खुलासा किया है कि उनके पास इस तरह के बल्ले का प्रोटोटाइप है, जिसे बांस की लकड़ी को परत दर परत चिपकाकर बनाया गया है। शोधकर्ताओं के अनुसार बांस से बना बल्ला विलो से बने बल्ले की तुलना में अधिक सख्त और मजबूत होता था, हालांकि इसके टूटने की संभावना भी बहुत ज्यादा है। इसमें भी विलो बल्ले की तरह कंपन होता है। अंडर 19 क्रिकेटर रह चुके डॉक्टर दर्शील का कहना है कि विलो के पेड़ को बड़े होने में 15 साल लगते हैं, इसलिए ये आसानी से नहीं मिल पाता। अब आपको समझाते हैं कि इसकी क्रिकेट में एंट्री क्यों मुश्किल है। दरअसल ICC के नियमों के मुताबिक फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सिर्फ लकड़ी यानी कि विलो के बल्ले से इस्तेमाल की इजाजत है। ICC के नियम के मुताबिक बैट की लंबाई 38 इंच यानी कि 965 mm से ज्यादा और चौड़ाई 4.25 इंच यानी कि 108 mm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बैट का वजन 2 से लेकर 3 पाउंड तक ही होना चाहिए। डॉक्टर दर्शील का कहना है कि इंटरनेशनल मार्केट में अभी बांस के बल्ले के इस्तेमाल को लेकर कोई ज्यादा खास चर्चा है नहीं, क्योंकि ICC के नियम के मुताबिक सिर्फ लकड़ी के बैट ही इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन जल्द इसे अपना लेने की उम्मीद है, क्योंकि इसमें कई फायदे हैं जो लकड़ी के बैट में नहीं है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या है राय, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और देश दुनिया की अन्य बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है। आपकी सेहत आपकी बात, देखिए कैसे रहें फिट मेरे साथ। खान पान, स्ट्रेस, डिप्रेशन पर अब जरूरी है बात। मैं हूं डॉक्टर शिखा शर्मा। TV9 डिजिटल पर देखिए मेरे साथ, आप फिट तो सब हिट।